और यू आर लेट आज बहुत ही अच्छा मैच रिकॉर्ड करने को मिलेगा आई थिंक। दिस इज वन ऑफ द टूर्नामेंट्स जिसका लेवल अच्छा है बिकॉज सारे रणजी प्लेयर्स इवन कुछ टीम इंडिया लेवल प्लेयर्स भी आ रहे हैं खेलने गुड़गांव सो वी आर हेयर टू कवर इट। परमिशन ली है टू शूट द मैच एंड टू यू नो रिकॉर्ड द मैच उसके बाद हम हाइलाइट्स जरूर देंगे एंड हम देख सकते हैं दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल ग्राउंड एंड दिस इज इन द बालियावास गुड़गांव। आई केम हेयर अलॉन्ग विद हिमांशु जो लोग चैनल पे पुराने हैं दे नो हिम। हिमांशु अंडर 19 खेला है इंडिया एंड दे ही वॉज इन द टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी अलॉन्ग विद चुमन गिल एंड जो अपना पृथ्वी शॉ वगैरह थे ये बैच था इनका। सो देयर इज अ डिफरेंट चैनल जिसको राइट्स दिए हुए मैच रिकॉर्ड करने के लिए लेट्स सी हाउ डज इट गोज जितना मैच होता रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। सो द अपडेट इज एलबी शास्त्री ने टॉस जीत लिया एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। शुरुआत कर रहे हैं बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे हिमांशु राणा और नॉन सेंटर पे पहले ही खुला ले बहुत अच्छा ड्राइव बनाया और पहला चौका स्कोर को डबल बनाने का मामले में और चौका बनाया है और इस सेंटर पर फिर से बॉल के राउंड पे ताकि भी देखा था कि जिसके चलते मिलेगा चौका और यहां पे जो पहले लेग पे बॉल लगे के खिलाफ बाउंड्री भी खड़ी हुई तो ज्यादा करेगा बल्लेबाज फिर से वापस स्ट्रगल में सुपर फाइनल मुकाबले में पहली सफलता दिलाई लखनिया आचार्य ने। पहला गेंद गिरता हुआ एचटीसी क्लब का आउट है पे और यहां पे बल्लेबाज का प्रयास से रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे लेकिन और पहली गेंद में बहुत ही अच्छा स्कोर निहाल तक गुजारा चालू
और इस बार देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खुद को देंगे और क्लॉक भी लगाया चार रन के लिए एक बार फिर रन ने अब साउथ सुन सकते हैं वापस को थोड़ा सा पीछे किया था बहुत ही अच्छी फील्डिंग थी और एक बार फिर से साउथ के सर बहुत ही अच्छा कैच पांच विकेट गिरता हुआ एचडीएफसी क्लब का और दूसरी सफलता रजत के नाम इस ओवर की ओर भेज दिया है बहुत ही दूर हल्का सा रूप मिला और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक इसमें सॉफ्ट हैंड हिट यूज किया और लिया चाहते थे परफेक्ट लकी तो फिर कुछ अलग हो सकता था तालमेल में फुट और तो जाना पड़ेगा मोहित महिपाल शर्मा को चार ओवर के लिए मात्र 11 रन और दो खिलाड़ियों को भेजा डगआउट में 17 ओवर गोल एंड स्कोर 79/8 और दूसरा विकेट लेते हुए चौधरी और नौवां विकेट गिरता हुआ एचडीएफसी क्लब का और ये लेते कुल तीसरी सफलता चौधरी के नाम और पारी की समाप्ति होती हुई एचडीएफसी क्लब द्वारा 17 ओवर 4 विकेटों में ऑल आउट 80 रन और एक नंबर की बात मैं कहूंगा सभी के और बहुत ही अच्छा
शॉट है यार, और जीत के लिए बनाना है 47 रन 102 के गेंदों पे। लगातार दो गेंदों में दो चौके और ग्रीन को भी भेजा है कुछ मिनटों के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज प्रियांश आर्य, ये लिए फुल टॉस टॉप ऑफ साइड आज बल्ले हवा में और जाना पड़ेगा वापस डगआउट में प्रियांश आर्य को। ये हो जाए इस बल्लेबाज के लिए 18 गेंदों में 47 रन और पहला विकेट गिरता हुआ टीम एलबी शास्त्री क्रिकेट क्लब का। समाप्ति बहुत अच्छी बल्लेबाजी ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांश आर्य की। और बेस्ट बॉलर प्रियांश आर्य। मैन ऑफ द मैच इन दिस क्वार्टर फाइनल एक बार फिर से बनाते रहो फोटो वीडियो मोड में डालो। सो आई एम ट्राइंग टू व्लॉग मोर एंड मोर बिकॉज काफी लोग बोल रहे हैं कि भैया आप वीडियोस में दिखते नहीं। सो इन दैट केस टेकिंग दिस नोट इन माय माइंड मैं कैमरा को ज़्यादा फेस करूँगा और व्लॉग्स थोड़े से और लेकर आएंगे। सिर्फ मैचेस ही नहीं, मैचेस के पीछे की जो स्टोरी है यू नो व्लॉग्स हैं डेली लाइफ वाले सीन है। सो विल रिकॉर्ड मोर एंड मोर। सो आई थिंक यही एंड करते हैं व्लॉग को। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। दिस वॉज अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। आपने देखा कि कैमरा भी हमने बाउंड्री पे लगा रखा था। सो कोशिश करेगी ऐसे नए परस्पेक्टिव वीडियो में लेकर आते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।